हेलो गाइस, अब आज के वीडियो में हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल या कंडक्टर डिपेंड्स। बट वो देखने के पहले एज यूजुअल थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग जो अभी तक के देखा था। तो क्या देखा था हमने? सबसे पहले करंट का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या हो गया था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई मतलब करंट, उसका एसआई यूनिट एम्पियर्स, छोटे यूनिट्स मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब क्या हो जाता है, 10^-3 एम्पियर्स, और माइक्रो एम्पियर्स 10^-6 एम्पियर्स। सर करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, एम मीटर कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ये अभी देखा नहीं हमने क्या होता है, बट अब हमने देख लिया रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता था उसका, बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली 0। सर क्यू मतलब चार्ज था हमारा, चार्ज कौन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। टाइम टी उसका ऐसे होता है सेकेंड, चार्ज का था कूलम। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था, 1.6 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 कूलम चार्ज, तो सर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स में 1 कूलम चार्ज। फिर हमने देखा था सर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे जाता तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट कन्वेंशनली हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, भले ही ओरिजिनली नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो भी। सर्किट क्या था, एक क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ करंट वॉज कॉल्ड सर्किट। फिर देखिए स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था, इसमें अगर आप देखोगे एक एमीटर है, एक गंदा सा डायग्राम बना हुआ है, बल्ब था, एक स्विच है, बैटरी है, सेल है। स्विच क्या था सर, इट वाज अ डिवाइस यूज्ड टू मेक और ब्रेक द कंडक्टिविटी ऑफ योर सर्किट, यानी कंडक्टिंग लिंक जैसा वर्क कर रहा था। अब देखिए मैं ना आपको एक बताता हूँ, ये न्यूमेरिकल हमने वैसे फर्स्ट लेक्चर में ही किया था शायद से, इसमें एक बहुत ही सिली सी मैंने मिस्टेक किया था बेटा, ये यहाँ पे ये होना चाहिए था 150/1000 एम्पीयर होना चाहिए था, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में गलती किया था, रिवीजन के समय भी ध्यान नहीं गया, फिर मुझे किसी ने बताया, तो ठीक है सर अब इसके हिसाब से इस चीज़ को थोड़ा ठीक फटाफट कर लेते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है, 150/1000 है, और ये मेरा सॉरी ये इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू क्यू, तो मुझे पता नहीं है, टी है मेरा 600, ये दो इससे कटा, ये इससे कट गया मेरा, फिर ये उधर गया, तो इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू 90 कूलम आने वाला है शायद, पिछले इसमें मेरा 900 कूलम लिखा हुआ था, तो वो चीज़ को ठीक कर लिया अभी मैंने, चलिए सर कोई बात नहीं। फिर हमने एसआई यूनिट ऑफ करंट पढ़ा था, एसआई यूनिट ऑफ करंट, वैसे एसआई यूनिट होता क्या है, एम्पियर होता था, तो उसे डिफाइन कैसे करते थे, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द करंट, एज द करंट विच फ्लोज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ठीक है सर। फिर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा था, या पोटेंशियल डिफरेंस, सर सबसे पहले हमने समझा था क्या होता है, सेल या बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरी, उसके अंदर क्या, केमिकल्स, उसमें क्या होता है, रिएक्शन, कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या रिलीज, एनर्जी, कहाँ पे स्टोर, टर्मिनल्स, कैसे यूज, जब सर्किट पूरा का पूरा बंद रहेगा, किस चीज़ लिए यूज, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, तो इससे क्या हुआ सर, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है सर। फिर हमने डेफिनेशन देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनादर, मतलब वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी एन ए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेरा यहाँ पे। ऐसा यूनिट्स भी उसका वोल्ट होता है, जैसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मेजर करने के लिए वोल्टोमीटर यूज करते हैं, और वोल्टोमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, पैरेलल। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, बेटा इनफाइनाइट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया मतलब वो अपने अंदर से करंट जाने ही नहीं देगा, और जो याद है एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 0, इसके बाद धमाधम जितना करंट आ रहा है बिना रोक टोक के उसे जाने देगा, ठीक है सर। वर्क डन का ऐसा यूनिट था जूल, और चार्ज का तो हम देख चुके थे कूलम, ठीक है सर। फिर हमने डिफाइन किया था एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या था, इट इज द अमाउंट वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनादर। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल देखे थे बेसिक वाले, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसने लाया था सर, कौन सा थे, जॉर्ज साइमन ओम। इनकी एक्टिविटी क्या थी, पहले सर्किट सेटअप किया था उन्होंने, उसमें जैसा दिखा रहा है आपको, अभी तो आपको 3 बैटरीज दिख रही है ये यहाँ पे, पहले एक ही रहती है, फिर एमीटर और वोल्ट मीटर का मेजरमेंट करते हैं, रीडिंग लिख लेते हैं, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, ऐसे करके लिखते हैं, फिर ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं, तो हमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओरिजिन से पास होना मतलब सर अगर वी 0 है तो आई भी मेरा 0 रहेगा, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट रहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिर नोट्स में हमने क्या देखा था, एक चीज़ याद है, एक प्रिकॉशन देखा था कि कुछ ज़्यादा देर के लिए आप की को ऑन मत रखिएगा। क्यों सर? अगर आप ज़्यादा देर के लिए की को ऑन रखोगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हीटिंग होना शुरू हो जाएगा, तो आपका ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है सर, मैथमेटिकली वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लाया तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ तक है ठीक है। तो आर क्या है सर? ये वैसे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बट आर की वैल्यू होगी वी बाई आई। आर का ऐसा यूनिट होता है ओम्स, साइंटिस्ट ने अपने खुद के नाम पर रखा था। उसका सिंबल देखो, वो जेरी के बिल जैसा है, याद आ रहा है सब कुछ चीज़ें। सर देखिए, अब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, मतलब वो करंट को रोकने का काम करता है, इसलिए उसका नाम रेजिस्टेंस है। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है सर। मतलब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहा तो वो क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। कम रहा तो बन जाएगा कंडक्टर। फिर हम लोग वन ओम को डिफाइन करते थे, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अक्रॉस विच वन एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस व्हेन वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है सर, यहाँ तक है ठीक है, कोई इशू है? फिर अपन लोगों ने एक रियोस्टैट देखा था, याद है, जिसका इको नाम था वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या करता था? इट वॉज अ डिवाइस विच रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। एग्जाम्पल था उसका क्या? सर फैन का रेगुलेटर वगैरह। फिर हमने बेसिक्स एंड न्यूमेरिकल देखे थे। फिर एक ये वाला देखा था, ये वाला अगर आपको याद नहीं है तो फट से मैं बता देता हूँ क्या होता था। हमें पता करना पड़ता था किसका क्या ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम लोग पहले एक लाइन बनाते थे, किससे पैरेलल? करंट एक्सिस से पैरेलल। वो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती थी, वो सब पॉइंट्स पे हमारा वी कॉन्स्टेंट रहता था। फिर जहाँ पे आई ज़्यादा है वहाँ पे आर कम हो जाएगा। तो जैसे कि मैं ये वाला अगर देखूंगा तो इसमें देखिए, डी वाले का आई सबसे कम है तो उसका आर सबसे ज़्यादा हो रहा था, फिर ए, फिर बी, फिर सी। सब चीज़ें याद है बेटा, ये अपने जो देखी थी पहले। चलो बढ़िया, बस ख़त्म सर। अब शुरू करेंगे अपन लोग आज का नया टॉपिक। देखिए बेटा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ रिवीजन में, बट ट्रस्ट मी, मैं जितनी बार आपको रिवाइज करवाऊंगा इसमें आपके लिए बेनिफिट होता रहेगा। आप कोशिश करके चीज़ें याद करते रहिए जब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आज के नए टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल बोलिए कंडक्टर बोलिए, मटेरियल डिपेंड्स। मतलब सर रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगेन ये समझने के लिए हमने एक बेसिक सी एक्टिविटी करने वाले हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, आपको फटफट समझ में आ जाएगी इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें एक्टिविटी को बहुत अच्छे मैथमेटिकली बहुत अच्छे समझाया नहीं गया है, इसलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप मेरा डायग्राम देख लीजिए, क्या बना रहा हूँ मैं डायग्राम, उससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी बाद में। तो बीच में जगह भी छोड़ दिए बेटा, बीच में जगह नहीं छोड़िए, एक्चुअली यहाँ पे अपन अलग 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 चीज़ें लगाने वाले हैं। हमारा एक एम मीटर है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस। वोल्ट मीटर नहीं है क्या? नहीं सर, जरूरत नहीं है सर। क्यों? देखिए आपको याद है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई था, तो अगर आई डबल हो रहा है तो आर मेरा हाफ हो रहा होगा, और अगर आई हाफ हो रहा है तो आर मेरा डबल हो रहा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इफ आई डबल तो आर हो जाएगा मेरा हाफ, और वही चीज़ का उल्टा भी कि इफ आई यानी करंट मेरा हाफ हो रहा है तो आर मेरा डबल होने वाला है। ये चीज़ छोटी सी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब बेटा ये पॉइंट्स को मैं कुछ भी ना एक्स और वाई अभी के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी ये पॉइंट्स को एक्स और वाई बोल रहा हूँ, इसके बीच में मैं अलग अलग चीज़ें लगाने वाला हूँ। तो उसलिए मैं पहले बनाता हूँ टेबल कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। टेबल में हम लोग अलग अलग केसेस लिखने वाले हैं। केस का सबसे पहले केस में क्या क्या होने वाला वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो अलग अलग कॉलम्स क्या हो गए, पहले हम कौन से मटेरियल का वायर लेने वाले हैं हम वो लिखेंगे, उसका लेंथ कितना है हम वो लिखेंगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर ये क्या होता है बेटा बताता हूँ, इसे वो भी बता दूंगा आपको क्या होता है वो लिखेंगे। फिर रेजिस्टेंस क्या आया हम वो लिखेंगे, और फिर इससे हम लोगों ने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है सर। साहब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताने वाले हैं। बेटा देखिए ये पेन जैसा आपको दिख रहा है कि आपके हाथ की पेंसिल वगैरह जो भी होगी, बेटा ये देखिए ये जो होता है ना इसका ये वाला पार्ट, मतलब जो पेंसिल का पीछे वाला पार्ट होता है वो, ये कोई भी एक स्फीयर का मान लीजिए, स्फीयर बोल सॉरी सिलेंडर का, ये ऐसा है ना, तो ये जो एरिया रहता है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर मैंने हाथों से काट दिया ऐसा सीधा तो क्या एरिया दिखने वाला है मुझे, उसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पेन का ये वाला एरिया, अगर आपको पेन क्लियरली दिख रहा है तो,
ठीक है। चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं केस वन हमारा, मतलब वो एक्स और वाई के बीच में मैं क्या लगा रहा हूँ, एक कॉपर वायर लगा रहा हूँ जिसका लेंथ है मेरा एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ए है। मैं अभी के लिए कुछ रेजिस्टेंस आर मान लेता हूँ, कुछ करंट आ रहा होगा, रेजिस्टेंस आर मान रहा हूँ, इसमें कोई कंक्लूजन जैसा है नहीं। अब केस टू में मैंने क्या किया, वही कॉपर वायर यूज़ किया, बस अब लेंथ मैंने डबल कर दिया। मतलब देखिए, अगर पहले मान लीजिए पहले इतना वायर लगा हुआ था मे बी, तो अब मैंने क्या किया है, वही उसका डबल वायर कर दिया मैंने, ऐसा समझा, लेंथ को मैंने बस डबल कर दिया, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। मैंने अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रखा है। अब मैंने एम मीटर देखा तो मेरा फट से करंट हाफ हो गया था, क्या हुआ था, करंट हाफ हो गया था। तो देखिए अगर करंट हाफ हुआ है तो आर क्या हो गया मेरा, ये देखिए आर डबल हो गया है, तो ठीक है सर इससे मुझे ये तो मिल गया कि मेरा आर डबल हो गया। अब देखिए आपने लेंथ बढ़ाया मतलब आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो गया, तो आप ये बोल सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, समझाइए। देखिए पहले लेंथ एल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, तो आपका रेजिस्टेंस कुछ आर आ रहा था, आपने लेंथ को डबल कर दिया, एरिया वैसा ही है, तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, इसलिए आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सर थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है वापस से मटेरियल वही यूज़ किया मैंने, लेंथ वापस से ओरिजिनल एल पे आ गया, अब बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। सर मतलब क्या हुआ इसका, समझाता हूँ वापस से, कि मान लीजिए पहले मेरा ये ऐसा वायर था, वही एक एरिया का वायर था, अब वही वायर को मैंने बस मोटा कर दिया है, अब मोटे वायर को भेजना शुरू कर दिया मैंने, ये यहाँ पे मोटा वायर लगा दिया वही लेंथ एल का। तो सर अब क्या हुआ, जैसे ही आपने मोटा वायर लगाना बेटा, आपका जो करंट था, देखिए पैसे वाले केस में लेंथ डबल किया था तो आपका करंट हाफ हो गया था, इस बार एरिया डबल किया तो करंट मेरा फट से डबल हो गया। अब देखो अगर करंट डबल हुआ है, देखिए करंट डबल हुआ है तो आर मेरा हाफ हो रहा है, तो सर जो मेरा ओरिजिनल आर था अब वो बन गया है आर बाय टू। सर नहीं समझेगा पूरा बताओ, देखो पहले ओरिजिनल केस हमारा एल था लेंथ, ए था एरिया, तो मेरा रेजिस्टेंस आर आ रहा था, मैंने लेंथ डबल किया तो मेरा रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो मैंने ये वाला लॉ लिख लिया, फिर मैंने लेंथ ओरिजिनल रखा एरिया को डबल कर दिया तो मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो गया। तो अब मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, समझाए, क्योंकि आपने जैसे एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस आपका कम हो गया था। चलिए ठीक है, अब फोर्थ सिचुएशन क्या है, अब कॉपर की जगह कोई और कंडक्टर लगा दिया, मे बी मैंने एल्यूमिनियम लगा दिया, एल्यूमिनियम लगा दिया मैंने, लेंथ एल ही रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रखा, अब कुछ रैंडम मेरा आर डैश आना शुरू हो गया, यानी वो हाफ डबल ऐसा कुछ नहीं था, कुछ रैंडम आना शुरू हो गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे भी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, अगर मैं और कोई कंडक्टर लगा देता यहाँ पे तो मे बी कुछ और ही मेरा रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता। तो ये टेबल आपको समझा क्या हुआ है। अब बेटा देखो इसके थ्रू कंक्लूजन देखो, मैं तीन कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखे थे यहाँ पे। पहला क्या लिख रहा हूँ मैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। फिर सेकेंड क्या लिखूंगा मैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये पहला था मेरा। दूसरा क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थर्ड, आर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल या नेचर ऑफ मटेरियल, कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आप एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हो या कॉपर यूज़ कर रहे हो या कोई और यूज़ कर रहे हो, समझा ये चीज़। तो ये तीन बेसिक कंक्लूजन्स मैंने यहाँ से लेके आए। चलिए ठीक है सर, अब मैथमेटिकली देखना शुरू करते हैं। मैथमेटिकली कुछ नहीं, पहले हमने क्या चीज़ देखी, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, फिर देखा हमने आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों के थ्रू मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके मैंने लिख दिया। सर अब आगे क्या, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लाया जाता है, तो आर इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट टर्म लाया जाता है, ठीक है वो लाता हूँ मैं बेटा। ये जो कांस्टेंट टर्म ला रहा हूँ उसका नाम है रो, वो थोड़ा सा पी जैसा दिखता है, ये रो आर एच ओ किसके जैसा दिखता है, पी जैसा दिखता है, ये बेसिकली है क्या, वही सर हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये एक्चुअल में रेजिस्टिविटी का है,
ये रेजिस्टिविटी को डिफाइन करता है, रेजिस्टिविटी। ये किसको डिफाइन करता है? हमारे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करता है। साथ ही साथ में ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बता दो बेटा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का बोलने का मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं होगा। आप लेंथ को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, सर्कल शेप में कर लो, मोटा कर लो, कुछ भी कैसा भी कर लो, कार्ड डालो, चिपका डालो, कुछ भी कर दो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यह ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, समझा? रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। देखो अब भी देखा, लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया था, एरिया डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया था। आप आगे देखने वाले न्यूमेरिकल से मैं कराऊंगा आपको, शेप भी चेंज करते तो भी रेजिस्टेंस बदल जाता है, बट ये चीज़ रेजिस्टिविटी के साथ नहीं होगी। आप कुछ भी करो टेम्परेचर चेंज करने से, आप काट दो छोटे छोटे पीसेज में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा तक है? तो बेसिकली जो हमारा रो है, जैसे हम आर एच ओ बोल रहे हैं, वो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थी, जो हमने प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल टू लाया तब लाया। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रो वैसे रेजिस्टिविटी का सिंबल है। किसका सिंबल है? रेजिस्टिविटी का, समझा ये चीज़? तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सर इसका ये अच्छे कुछ समझा नहीं अभी तक रो, तो ये बताता हूँ मैं, चल मारिए सब कुछ बताऊँगा आपको। पहले तो एक काम करते हैं, रो का फॉर्मूला ला देते हैं अपन लोग, ठीक है सर? देखिए आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए था मेरा, तो इधर उधर किया तो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो होने वाला है मेरा, ठीक है? अब देखो अगर मेरा एरिया और लेंथ सेम है तो मेरा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के लिए। मतलब अगर रो बहुत हाई रहेगा तो इम्प्लाइज आर भी मेरा बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। वैसे ही अगर रो मेरा बहुत कम रहेगा तो मेरा आर भी बहुत कम रहने वाला है। तो अब आप खुद बताइए इंसुलेटर्स का रो कैसा रहेगा, बहुत हाई या बहुत लो? परफेक्ट सर, बहुत हाई रहेगा। और सर कंडक्टर्स का बहुत लो रहेगा, आपको रेंज में बताऊंगा, पर उसके पहले अपन एसआई यूनिट देखते हैं। क्या देखते हैं? एसआई यूनिट। तो ये रो की एसआई यूनिट निकालना है, अब वो कैसे निकालेंगे? चलो ये रो की एसआई यूनिट निकाल लेना। रो कहता है आर ए बाय एल होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। एक ये इससे कट गया, देखिए रो इक्वल टू ओम मीटर हो गया, ये उसका क्या हो गया? एसआई यूनिट। समझा कैसे लाया? सिंपल सा ध्यान रखो, रो का एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर। फाइन, देख लो एक बार कैसे लाया मैंने, ये मेरा फॉर्मूला वापस से मैं डिराइव कर, डिराइव नहीं बोलना चाहिए, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल होगा, तो रो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, ये कटा, मतलब ओम मीटर आ गया। समझाया था क्या हुआ है? सिंपल था, ये उसका एसआई यूनिट हो चुका है बेटा, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। फाइन बेटा, अभी कई चीज़ें बताया जो हम लोग डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ करने वाले हैं, आपको बताऊंगा मैं, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है, बट अभी सुनते रहिए। सर ये सब कुछ तो ठीक है, अब आप प्लीज़ डिफाइन कर दो, डिफाइन कर दो। चलो पहले मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ। देखिए आपका रो की वैल्यू क्या थी? आर ए बाय एल। अगर मान लो मैंने एक वायर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, यानी उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये काट के वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ है 1 मीटर। सर मतलब क्या हो रहा है? रो इक्वल टू आर 1/1, मतलब रो इक्वल टू आर ही हुआ है, बस यही डेफिनेशन। सर क्या, अब इंग्लिश में समझाता हूँ, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ऑफ दैट मटेरियल, विच मटेरियल, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। खत्म। सर क्या डेफिनेशन है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। सर नहीं समझा कैसा है? छोड़, एक और फट से देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, अपन मान लो एक मटेरियल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आर 1/1, यानी ये रो इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ये देखो ये न्यूमेरिकली इक्वल हो गया, तो वही डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस या न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। सिंपल हो गया, अभी आपके नोट्स में दिया हुआ है, आपको लिखने का कोई टेंशन नहीं रहना है, चल मारिए। अब समझा क्या हुआ है बेसिक सा? अब एक चीज़ मैं आपको कुछ अभी रेंज की बात कर रहा था बेटा। देखो जो आपके जो इंसुलेटर्स होते हैं ना,
उन लोगों का रेंज कुछ 10^12 ohm meter से लेके 10^16 ohm meter, यानी इतना बड़ा जाता है। मतलब अगर मान लो मैंने कुछ लिखा 8 × 10^12 ohm meter, ये कितनी बड़ी वैल्यू हुई है पता है आपको? ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतना बड़ा नंबर है, इन्हें ओम मीटर देखो, इन्हें रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है। वैसे ही हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं, सर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, परफेक्ट। तो कंडक्टर्स में अप्रोक्सीमेटली वो चलता है कुछ 10^-8 से लेके 10^-10, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट रेंज रहता है। और वही अलॉयज वलॉयज जो होते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर्स वगैरह, या अलॉयज बोलना चाहिए, सेमी कंडक्टर नहीं बोलना चाहिए, वो 10^-6 से लेकर 10^-8 ohm meter अप्रोक्सीमेटली ये रेंज में चलते हैं हमारे। ये हो गया अलॉयज का। फाइन क्लियर? मतलब बहुत ज़्यादा है तो इंसुलेटर, बहुत कम है तो कंडक्टर। चलो ठीक है सर, चलो एक बार फटाफट सर रिवाइज करा दो, क्या करा रहे हो अभी तक के? सर खत्म हो रहा है लेक्चर? अबे रुको बे, बहुत बचा। चिल चिल चिल, सुनो अभी अच्छे से। अपन ने एक्टिविटी देखी थी क्यों, जिससे हम देख सके फैक्टर्स जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तब हम लोगों ने पाया कि लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, एरिया डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। मतलब सर लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय। रो क्या था? रेजिस्टिविटी था, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, मतलब वो चेंज नहीं होती थी। तो उसका एसआई यूनिट क्या देखा था? ओम मीटर देखा था। रेजिस्टिविटी हाई तो रेजिस्टेंस भी हाई, रेजिस्टिविटी लो तो रेजिस्टेंस भी लो। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन होती? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हुज लेंथ इज 1 meter एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 m². फिर हम लोगों ने छोटा मोटा एक रेंज देख लिया था इन चीज़ों का। चलो ठीक है सर, ये बेसिक सब चीज़ें तो समझ गई है। अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है सर, क्या है सर? डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, आपको बहुत चीज़ें समझ जाएगी और अब भी याद भी हो जाएगी। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, देखिए मैं पॉइंट्स पूरे पूरे लिखने नहीं वाला हूँ, आपको सिर्फ बताने वाला हूँ क्या लिखना पड़ेगा। पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है याद है आपको? इट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हुज लेंथ इज 1 meter एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 m². एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है सर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये हो गया। फिर हम लोग एसआई यूनिट लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी का याद है ओम मीटर, रेजिस्टेंस का बस ओम। फिर एक मुझे बताइए, क्या रेजिस्टिविटी एक टेम्परेचर पे चेंज हो सकती है क्या? सर रेजिस्टिविटी कैन नॉट चेंज, बट रेजिस्टेंस कैन चेंज। सर किस पे डिपेंड करता है? सर वो तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेंज कभी भी नहीं होगा। तो ये 3 points मेरे डिफरेंस के आ गए, सिंपल हो गया। चलिए अब बेटा अपन देखने वाले इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल ना बेटा, हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं, बट हम लोग डायरेक्टली इसमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी वो देखेंगे, बट वो हमने चैप्टर के आखिरी में देखना है। अभी जो हम देख रहे हैं ये कुछ अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स है। ये आपने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन चैप्टर्स में भी बहुत बार किए होंगे, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो गए या आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हो गए तब तो। अभी क्या करना है? अभी कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा है तो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है पहले मैं वो समझाता हूँ। हमारे क्वेश्चन का ये पैटर्न होने वाला है, आपको पूछेगा कि अगर मान लो मैं लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को 1/3 कर दिया, तो बताओ मेरे रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आने वाला है। ये ऐसे क्वेश्चंस याद है हमने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में देखा था कि एक मास को डबल कर दिया, एक मास को ट्रिपल कर दिया, बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया। कुछ रिलेशन नहीं है बेटा, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है gm1m2/r² या d² वाला, उससे आप कन्फ्यूज या डरो मत। आपको नहीं आता 9th का फिजिक्स, कोई बात नहीं छोड़ो, मैं सिर्फ याद दिला कि जैसे वहां पे क्वेश्चन देखे थे कई सारे, वैसे यहाँ पे आपको थोड़े बहुत बता दूंगा तो आपको अपने आप जम जाएगा। चलो ठीक है सर, पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या करना, अपना ओरिजिनल चीज़ें लिख लेना। ठीक है सर, देखिए पहले ओरिजिनल वाली लिख लेंगे हम लोग। फिर हमारी कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है सर? एक तो लेंथ पर डिपेंड करने वाला है, फिर दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करने वाला है, और फिर फाइनली हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले सर ये पहले तो केस लिखना चाहिए, ओरिजिनल नहीं सॉरी। तो पहले का केस, केस वन मेरा ओरिजिनल वाला है बेटा, कि मेरा ओरिजिनल सिचुएशन क्या है। मान लो लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा ए है, तो मैं रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, कोई इशू पक्का। अब देखो मैं चेंजेस करना शुरू कर रहा हूँ। मान लो केस वन में मैंने लेंथ इज डबल्ड
लेंथ को डबल किया और एरिया को कुछ हुआ नहीं है, तो ठीक है सर ये 2L हो जाएगा। सर एरिया क्या रहेगा मेरा, एरिया तो ए ही रहने वाला है, तो मेरा नया रेजिस्टेंस मान लो आर वन है, वो क्या जाएगा सर रो, नई लेंथ कितनी है सर मेरी 2L, एरिया कितना है सर ए, तो बेसिकली देखिए सर आर वन इज इक्वल टू 2 रो एल बाय ए हो गया है मेरा, यहाँ तक है ठीक है। अब ये देखिए बेटा रो एल बाय ए की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी है सर, वो तो आर के बराबर है, तो ठीक है सर तो मैंने फट से लिख दिया सर इम्प्लाइज आर वन की वैल्यू 2 आर के बराबर हो गई, मतलब जो नया आर वन आया है वो मेरा डबल हो गया है पिछले आर से। सर ये तो हमको पहले ही पता था ना, कैसे आपको पता था, याद है आपको ये चीज़ आर इज प्रपोर्शनल टू लेंथ, कि अगर लेंथ डबल हुआ तो आर भी डबल होगा, देखो मैथमेटिकली मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। चलो ठीक है सर अब एक और चीज़ नया केस मान लो, अब मेरा केस 2 लेंथ इज हाफ्ड, सिर्फ लेंथ को हाफ किया, कई बच्चे फट से बोल देंगे सर आर प्रोपोर्शनल टू एल है तो मेरा नया आर हाफ हो जाएगा ओरिजिनल के। चलो ठीक है आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट ऐसा मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए सर ये एल बाई टू होने वाला है मेरा, एरिया तो ए ही रहने वाला है, केस टू वाले आर को आर टू बोलता हूँ, हो जाएगा रो एल बाई टू अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए रो एल बाई टू डिवाइड बाई ए बनेगा ये, जो बाद में क्या हो जाएगा मेरा आर टू मेरा हो जाएगा रो एल बाई टू इंटू वन बाई ए हो जाएगा मेरा, जो कि आर टू इज इक्वल टू वन बाई टू रो एल बाई ए के बराबर हो रहा है मेरा। अब देखिए वापस से रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी थी आर थी, तो उसी कारण से क्या आ गया मेरा आर टू इक्वल टू आर बाय टू, ओरिजिनल का हाफ आ गया, सिंपल बेटा। अभी देखिए अभी सिर्फ इन्जॉय कीजिए इस चीज़ को, अपन आप लोगों को करने का मौका मिलेगा, आप लोगों को वर्कशीट में भी ये सब कुछ किया हुआ 2 है, बट तब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये हर चीज़ खुद से करके देखिएगा, ठीक है सर। चलो अब एक नया केस देखते हैं, केस 3 मान लो रैंडम, इसका एरिया इज ट्रिपल्ड। अब देखो एरिया ट्रिपल हुआ है तो बच्चों को पता अगर है कि सर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, तो एरिया ट्रिपल है तो रेजिस्टेंस 1/3 होने वाला है, ठीक है। पर देख लेते हैं एक बार वाला, फिर अपन एक मल्टीपल वाला देख लेंगे सर, यानी क्या बताऊंगा वो देख लेंगे तब अपने को समझ में आना शुरू होगा। सर देखिए पहले तो मेरा लेंथ तो सर एल ही है, अब एरिया ट्रिपल है मतलब 3A है, यहाँ देखो कोई इशू किसी को नहीं, परफेक्ट। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, मान लीजिए आर 3 जगह रो एल बाय 3 है, नया है ये तो जगह रो एल बाय सॉरी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये 3 वाले को बाहर कर दिया मैंने रो एल बाय ए, अब ये वही वाला अपना हमेशा वाला सर, क्या सर रो एल बाय ए तो आर के बराबर है, तो ठीक है सर आर 3 इक्वल टू आर बाय 3 ख़त्म, 1/3 हो गया हमारा। समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है ये सब कुछ चीज़ें कैसे हो रहा है मैथमेटिकली, नहीं आ रहा था कुछ तो भी एक अजीब सा और बताता हूँ उसमें आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कुछ तो भी रैंडम बना रहे अपन लोग। मान लो ये केस 4 लिया मैंने, लेंथ इज 5 टाइम्स एंड एरिया इज 1/3। अब आप ओरली देखते से ही पता पा रहे हो कितना होने वाला आंसर, देखिए मुझे पता है क्या आने वाला आंसर 15 टाइम्स होने वाला है, बट आपको एकदम देख के समझ में आ रहा है क्या, हो सकता है नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया, सर नहीं आ रहा तो यही अपना देसी तरीका, क्या सर लेंथ 5 टाइम्स हो गए तो 5L, एरिया 1/3 हो चुकी है तो a बाय 3, सर देखिए r 4 क्या हो गया रो l अपॉन a, सर मैथमेटिकली ये क्या हो चुका है रो 5L डिवाइड बाय a बाय 3, मतलब 5 रो l मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय a, मतलब 15 रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए की वैल्यू कितनी थी हमारी याद है तो वो तो आर के बराबर थी, तो ये कितना हो गया 15 आर। समझाइए ऐसा कोई भी रैंडम चीज़ मैं दे दूँ, राधा मैं लेंथ को 2/3 जैसी चीज़ें भी कर दूँ तो भी आप कर पाओगे। अब ये तो हमने बेसिक समझ लिया, अब इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ, ये बोर्ड्स वालों के भी और स्कूल वालों के भी बहुत फेवरेट हो जाते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं केस नंबर 5
केस रेस नहीं, केस नंबर फाइव, ये अच्छे से सुनिएगा। केस फाइव क्या बोल रहा है, वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ अपने डायग्राम से आपको, कि मान लीजिए मेरा ये वायर था, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो इतना जो पार्ट है इसको मैंने फोल्ड किया, फोल्ड किया ना, यहाँ से ये हट गया वाला पार्ट और वो इसी के ऊपर मैंने रख दिया आपस से, समझा। तो लेंथ कितना हो गया मेरा, हाफ हो गया। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए, ये डबल हो गया। सर नहीं समझा सर, ये देखो आप, आपको मेरा ये हाथ दिख रहा है ऐसा थोड़ा टेढ़ा, देखिए ये मान लीजिए मेरा वायर था, ये बीच में डबल्ड ऑन इटसेल्फ, यानी मैंने ऐसा इसे मोड़ दिया, तो लेंथ मेरा आधा हो चुका है पहले से, और ये जो एरिया जो थी वो पहले से डबल हो गई है, एक के ऊपर एक वायर जैसा प्लेस हो गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरी क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो अगर आपको ये समझ गया तो ये बस आपको इनडायरेक्टली दिया था कि लेंथ को हमने क्या कर दिया है, हाफ, मतलब नया लेंथ जो है मेरा, लेंथ कितना हो गया सर एल बाई टू, एरिया, एरिया कितना हो गया ट्वाइस ऑफ, ये डबल हो चुकी है। अब सर हमारे रेजिस्टेंस वो निकाल लेते हैं, आर फाइव इज इक्वल टू रो, एल नया क्या हो गया एल बाई टू बाय ए, सर मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, रो एल बाई टू डिवाइड बाय टू ए, तो ये आर फाइव वो क्रॉस डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन साइन वगैरह बना के रो एल बाय फोर ए हो जाएगा, जो कि वन बाय फोर रो एल बाय ए हो जाएगा। और सर रो एल बाय ए तो हमें पता है पहले से कितना है, आर के बराबर है, तो मेरा आर फाइव आर बाय फोर हो जाएगा। मतलब अगर एक वायर को मैंने काट के उसी के ऊपर ऐसा लगा दिया है तो नया रेजिस्टेंस वन फोर्थ होने वाला है ओरिजिन के, समझा ये चीज़। वैसे ही सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे अगर आपको एक और चीज़ लिखी हुई आती सर क्या, ये देखिए केस नंबर सिक्स है शायद से मेरे, केस नंबर सिक्स क्या है, वायर इज स्ट्रेच्ड टू इट्स डबल। अब ये चीज़ ना एक बार मैं बहुत अच्छे से आपको समझा शायद से ना पाऊँ, बस ये चीज़ याद रख लिए, वायर को मैंने खींच के स्प्रिंग जैसा खींच के डबल कर दिया, तो मेरी लेंथ 2L बन चुकी है। अब देखो क्योंकि मैंने खींचा है तो बेटा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा हाफ हो गया होगा, क्या हो गया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा हाफ, ये चीज़ आप रट सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया मेरा हाफ। तो सर अब क्या होगा मेरा रेजिस्टेंस, वो तो निकाल सकते हैं सर, आर से इक्वल टू रो एल बाय ए, मैथमेटिकली सॉल्व करने का दिया जाता है फोर रो एल बाय ए, तो आर सिक्स में बनता है फोर टाइम्स आर, समझा ये चीज़ है बेटा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक 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 स्टेप लिखी हुई आपके नोट्स में है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप नोट्स से करते रहेंगे तो प्लीज़ अपने आप से फाइनल वाले आंसर्स आप निकाल कर देखेंगे, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला। तो बेसिकली अभी हमने देखा सर लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या हो जाता है ना, कई बार यही चीज़ को और डिफिकल्ट बनाने के लिए ये लोग आपसे रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछते हैं कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जो था, यानी ये समझिए ये जो था हमारा, उसका ये चीज़ रेडियस हो रहा है, अगर रेडियस को डबल कर दिया तो बताओ क्या होगा। तो बेटा एक मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बेटा, अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हो, देखिए एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर है, एरिया मतलब एरिया प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर से, तो अगर मैं रेडियस को डबल किया है तो मेरा एरिया फोर टाइम्स होगा, या अगर मैं रेडियस को ट्रिपल किया है तो मेरा एरिया नाइन टाइम्स होने वाला है, या रेडियस को मैंने हाफ कर दिया तो एरिया मेरा वन फोर्थ होने वाला है, ये चीज़ें पता है। अगर एरिया फोर टाइम्स हो गया तो आर मेरा वन फोर्थ हो जाएगा, अगर एरिया मेरा नाइन टाइम्स हो तो रेडियस तो रेजिस्टेंस मेरा वन बाय नाइन हो जाएगा, और एरिया वन फोर्थ हुआ है तो रेजिस्टेंस मेरा फोर टाइम्स हो जाएगा। सर कुछ नहीं समझा, जानता हूँ। देखो इसलिए ऐसा कुछ याद मत रखो, अपन अपने ये जो ऊपर का देसी तरीका था ना उसके ऊपर आ जाता है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है पर फट 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 हो जाता है। चलो ठीक है सर बता दो कैसा है वो, बस ये चीज़ ध्यान रखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है सर। तो देखिए अभी ये वही अपन केसेस अलग अलग लेने वाले हमारे लेंथ। अब देखो अब आपको रेडियस से रिलेशन आने वाला है, तो पहले मैंने एक रेडियस ले लिया,
अब रेडियस के कारण मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिलने वाला है, उसका एक नया कॉलम बन गया मेरा, और उसके बाद में मैं निकाल लूँगा रेजिस्टेंस। टेंशन मत लो, ये वाला भी आपके नोट्स में अच्छे से है, अभी एक बार पूरा ध्यान से सुन लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पहले केस वन, तो मैं ओरिजिनल लिख रहा हूँ, ओरिजिनल में लेंथ एल है, रेडियस मेरा स्मॉल आर है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा, फाइन। रेजिस्टेंस तो होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, कोई इशू नहीं इसमें तो, ठीक है। अब केस वन है, रेडियस को क्या करूँ, पहले बेसिक ले लूँ, डबल कर दूँ, रेडियस इज डबल्ड, तो मतलब अब लेंथ तो वही रहने वाला है, बस रेडियस क्या हो जाएगा सर हमारा 2r। अब एरिया देखिए, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पाई 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये नया एरिया ए वन लिख रहा हूँ इसको, इसलिए मैं, तो ये देखिए ए वन इक्वल टू 4, सर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो तो हमें पता है a के बराबर है, तो सर ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, ये a बन गया मेरा, तो नया एरिया क्या हो गया मेरा 4 टाइम्स ओरिजिनल एरिया। तो अब ये देखिए r इज इक्वल टू रो l बाय ए वन होने वाला था मेरा नया एरिया जो था, तो जो कि क्या हुआ रो l बाय 4 है, मतलब 1/4 रो l बाय a, ये मेरा नया रेजिस्टेंस चल रहा है, तो मेरा r1 हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल r। समझा क्या हुआ है, चलो एक बार फट से वापस दिखाते हैं क्या हुआ है पूरा। देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, ठीक है सर, लेंथ एल है, रेडियस 2r है, तो नया एरिया यानी ए वन पाई 2r का होल स्क्वायर होगा, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा ए वन, यानी ए वन के लिए 4 टाइम्स ओरिजिनल एरिया ए हो गई। अब नया रेजिस्टेंस रो एल बाय ए वन होगा, जो कि रो एल ए वन की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इम्प्लाइज आर वन इक्वल्स टू 1/4 1/4 क्या गंदा लिखा है फॉर्मेश 1/4 रो एल बाय ए, जो कि क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स आर, खत्म। वैसे ही अब मान लो रेडियस को 1/3 कर दो कुछ रैंडम, ठीक है सर, सर रेडियस इज 1/3 नाउ ओरिजिनल का, ठीक है ये केस 2 चल रहा है। अब लेंथ तो मेरा एल ही है, रेडियस मेरा आर बाय 3 हो चुका है, ठीक है सर। अब आगे क्या, कुछ भी नहीं, अभी देखें एरिया मेरा ए टू पाए आर बाई 3 का होल स्क्वायर, मतलब ए टू की वैल्यू क्या हो रही है पाए आर स्क्वायर बाय 9, मतलब ए टू क्या हो गया मेरा ए बाय 9 हो चुका है, समझा है, पाए आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया मैंने ए। अब देखिए आर टू कितना होगा रो एल बाय ए टू, जो कि क्या हो जाएगा रो एल बाय ए बाय 9, मैथमेटिकली जब सॉल्व करूंगा उसे तो ये 9 यहाँ चल जाएगा, तो R2 बन जाएगा 9 रो L बाय A, और रो L बाय A की वैल्यू कितनी है R ही है, तो R2 इक्वल टू 9 R हो जाएगा, खत्म। सिंपल सा ये चीज़ है, पक्का सोच लो बेटा। अब चलो, अब ये सब कुछ से नॉन कनेक्टेड, बिल्कुल भी दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है, उसकी छोटी सी बात कर लेता हूँ मैं। बेटा हम लोग ना अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो हीटिंग में यूज़ होते हैं, अपन वैसे आगे पास पढ़ने वाले है ये चीज़, बट आपके नोट्स में भी इस सीक्वेंस में दिया, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, इसलिए बता रहा हूँ। जो मेरी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस या और भी जो डिवाइसेस होते हैं, इसमें हम लोग मेजरली एलॉय यूज़ करते हैं, याद है ना एलॉय, अपने पता है कंडक्टर इंसुलेटर एक एलॉय वाला कुछ तो भी था, तो मेजरली हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं। क्या रीज़न है सर? सर पहला रीज़न तो ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स आउट ऑफ विच इट इज मेड। तो कुछ समझा नहीं, देखो वैसे आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, बट मैं स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। पहले मान लो आपको कुछ अलॉय था एक्स, वो किस चीज से बना है ए एंड बी, सॉरी मैंने आरोस उल्टे बना दिया, वो किस चीज से बना है ए एंड बी से बना है, याद है ना अलॉय क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन अ फिक्स प्रपोर्शन वाला, ऐसा कुछ भी था डेफिनेशन, याद है नाइन्थ में पढ़ा था, ये वही ए और बी से मेरा एक्स बना है, तो मैं रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स जो है ना वो रेजिस्टिविटी ऑफ ए से भी बड़ा रहेगा, रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स रेजिस्टिविटी ऑफ बी से भी बड़ा रहेगा,
ये जनरली बात है, यानी मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते रहेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, हम लोग क्यों अलॉयज प्रेफर करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली ग्रेटर दैन द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट आपको समझ जाएगा, अलॉयज जो होते हैं हमारे दे डोंट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया, बर्न ईजिली एट इवन हाई टेम्परेचर, मतलब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा तो फट से जल नहीं जाते ये लोग। तो इससे क्या फायदा हुआ, अरे बेटा तुम्हारा हीटिंग डिवाइस है वो गर्म हो रहा है, आप पकड़ ले तो कोई मजा थोड़ी आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टोस्टर है, तुम गर्म करने डाले ब्रेड, आग पकड़ लिया, मजा आएगा क्या, नहीं ना। तो इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं, अलॉय, क्यों, क्योंकि वो आग नहीं पकड़ते। सब कुछ एग्जाम्पल बता दो बेटा, देखो जैसे आप लोग ये चीज़ अगेन पढ़ने वाले हो, आपका जो बल्ब बल्ब होता है ना, बल्ब में यूज होता है टंगस्टन, टंगस्टन एक अलॉय है। फिर आपके जो इलेक्ट्रिकल ये जो वायर्स है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स है, उसमें कॉपर एंड एल्यूमिनियम के अलॉयज का यूज किया जाता है। बेटा देखो अभी के लिए ये दो पॉइंट्स और ये एग्जांपल्स रट लो, क्यों सर, क्योंकि क्या हो जाता है कई स्कूलों को यहाँ तक के फर्स्ट टेस्ट में आता है, फिर उसके आगे आपको रीजन समझ में आता है क्यों ऐसा हो रहा था, इसलिए अभी रट लो। जैसे हमने याद है सीरीज पैरेलल कुछ रटा था, वैसे इस चीज़ को भी रट लो, भरोसा लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। क्या दो पॉइंट्स है सर, रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। दूसरा ये तो ईजी है, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। फिर इसके एग्जाम्पल, बल्ब में यूज करते हैं टंगस्टन जो कि एक अलॉय है, और जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स होता है उसमें भी क्या यूज होता है सर, हमारा कॉपर एंड एल्यूमिनियम के अलॉयज के आसपास का यूज होता है, ठीक है सर। तो अब देखो फटाफट एक बार मैं समअप करूँ जो आज पढ़ा है हमने, हमने एक ये एक्टिविटी पढ़ी थी, कहाँ गई, हाँ ये वाली एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिससे हमने पाया था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या था, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, वो रेजिस्टिविटी का है सिंबल एक, साथ ही साथ वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर हमें पता चला था कि अगर रो हाई रहा तो रेजिस्टेंस भी हमारा हाई रहने वाला है। फिर हमने डेफिनेशन देखा था, डेफिनेशन क्या देखा था, इट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हूज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 meter square एंड लेंथ इज 1 meter। ऐसा यूनिट क्या देखा था हमने, ओम मीटर। फिर कुछ रेंज देखा था कि अगर एक मटेरियल का क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 10^12 से लेकर 10^16 के आसपास आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, इतना हाई है तो इंसुलेटर 10^-8 से 10^-10 के आसपास में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कंडक्टर, और 10^-6 से 10^-8 के आसपास में रहा तो ये चल जाएगा अलॉय। फिर हमने डिफरेंस देखा था किसके, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। एक तो हम लोग ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, तीसरा क्या, रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होती एट अ फिक्स टेम्परेचर, रेजिस्टेंस शेप और साइज एंड लेंथ एरिया जो भी चेंज होना शुरू जाता है। फिर हम लोगों ने अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखे थे, आई होप आपको न्यूमेरिकल्स समझे हो। अगर मान लो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है ना आपको, तो प्लीज़ एक बार एक छोटा सा ये वीडियो वाला ये आखिरी वाला पार्ट वापस देख लीजिएगा, और नोट्स में आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी लेंथ को 3 गुना कर देना, एरिया को 5 गुना कर देना, आंसर निकालना। आंसर में डाउट आ रहा है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लीजिएगा, चलिए ठीक है। हमने रेडियस का भी देख लिया था, अगेन रेडियस का पूछते हैं बेटा आप लोगों को, आपके स्कूल वाले बहुत ज़्यादा शायद से प्रैक्टिस करवाए या ना करवाए मुझे पता नहीं है, बट वो पता होना चाहिए। और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर लेंथ इज वायर्स डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब लेंथ हाफ हो जाएगा, एरिया डबल्ड हो जाएगा, एंड वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल, मतलब लेंथ डबल हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है सर। फिर हम लोगों ने ये अलॉयज का पढ़ा था फालतू का पार्ट, कि हीटिंग डिवाइसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलॉय, क्यों यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स, और दूसरा पॉइंट क्या था सर, अलॉयज जल्दी ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होते, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल देखा था बल्ब में क्या, टंगस्टन, और ट्रांसमिशन वायर्स वगैरह में क्या होता है हमारे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। चलिए भाई, थैंक यू।